इधर अल्पसंख्यक दर्जे का है जोर, उधर उठा दलित कोटे का शोर। केंद्र सरकार ने बढ़ाए कदम, एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा होगा खत्म। तो केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार का मानना है कि दोनों अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, बल्कि इसमें दलित और आदिवासी छात्रों की सीटों पर अतिक्रमण किया जाता है, एनक्रोचमेंट होता है। हालांकि यूपीए 2 सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के निर्णय के साथ खड़ी थी, जिसमें इन्हें अल्पसंख्यक संस्था के रूप में घोषित किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इन दिनों सियासत का सबब बने हैं ये दोनों शिक्षण संस्थान, क्योंकि केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं कदम, दोनों संस्थानों से अल्पसंख्यक दर्जा होगा खत्म। और दलील ये कि सेक्युलर सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती। यूपीए सरकार ने एक आयोग के माध्यम से इनको अल्पसंख्यक स्टेटस दे दिया और दुष्परिणाम ये हुआ कि संवैधानिक प्रावधान वहां आरक्षण संबंधी समाप्त कर दिए गए। छात्र छात्राओं को जो एडमिशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अल्पसंख्यक दर्जे पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने दलित आदिवासी और ओबीसी आरक्षण का सवाल छेड़ा है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने अल्पसंख्यक संस्थान की आड़ में इन यूनिवर्सिटीज पर SC ST और OBC की सीटों के अधिग्रहण का आरोप लगाया है। बात सामाजिक समानता की है या सियासत की, ये अलग बात है। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो मुल्क के इसी तरह के बयान दे रहे हैं। आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे देखा जाए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। स्वभावतः वो अल्पसंख्यक नहीं है। बहरहाल, अल्पसंख्यक दर्जे पर पहले भी खटखटाए गए हैं अदालतों के दरवाजे, अब वर्तमान सरकार की राय में भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। वहीं केंद्र सरकार की इस कवायद पर सियासी कोहराम मचा है। सवाल ये है कि क्या शिक्षण संस्थानों पर भी सियासत हो रही है। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो इस शोर के पीछे असल वजह क्या है, यही समझने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े खास मेहमान, बीजेपी से जुड़ रहे विजय बहादुर पाठक, SP से जुड़े हमारे साथ आसिफ मुकार साहब, कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी जुड़ रहे हैं और AMU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं गुड़गांव से, और मेरे साथ सलाहकार संपादक मनोज रघुवंशी भी हैं। सबसे पहले विजय जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सबका साथ सबका विकास, इस तरह के फैसलों से कैसे ये चीजें पूरी हो पाएंगी? आप कहते कुछ है, होता कुछ है, तस्वीरें कुछ और ही देख रहे हैं दिन ब दिन। हम नहीं, घनश्याम जी, क्या कहा और क्या हो गया, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार ने अपने स्टैंड में कहा है कि हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। ठीक है, भारत के एक प्रधानमंत्री वह भी थे जिन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। भारत के एक प्रधानमंत्री यह भी है जिन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर सबका समान हक है। और फिर हमारे विजय बहादुर पाठक साहब, समानता का हक होता कहां दिखाई दे रहा है? नित नए फैसले जो प्रतिक्रमण करते हुए दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों गौरव हैं, राष्ट्रीय धरोहर है। लेकिन इन्हीं गौरव की आड़ में राजनीति की जा रही है। विजय बहादुर पाठक सब आप माने हैं, माने ठीक है, लौटूंगा आपके पास। SP के नेता आसिफ बकार मेरे साथ मौजूद है। ये कहा जाता है कि शैक्षणिक संस्थानों को राजनीतिक हितों से परे रखा जाए, लेकिन उन्हीं नियमों की हज्जत उठाई जा रही है। आसिफ बकार साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम और उम्मीद भी कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी शुरू से हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल की नीति अपना रही है। वो दो फिरकों के बीच में, दो धर्मों के बीच में दरार डालकर वो अपने वोट बैंक सीधा करती है। आप नहीं करते ऐसा? मामले में भी आसिफ अकर, आप ऐसा नहीं करते? ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए, बाद में आपको मौका मिलेगा तो आप उस पर खूब टिप्पणी कीजिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक अलग मानसिकता काम करने की है, वो एंटी मुस्लिम काम करती है। और जिस तरह से अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया का मामला आया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना इसमें एक निजी द्वेष जो छुपा है मुसलमानों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी इसमें निकाल रही है। और किसी भी कीमत के ऊपर
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का या जामिया मिलिया का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला 2004 ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, ये वकार भाई नहीं कर सकते हैं, सॉरी नहीं किया जा सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला कैसे सुना सकते हैं? मनोज जी मैं बोल रहा हूँ आगे कि देखिए ये मामला लंबित है न्यायालय में, माननीय न्यायालय में, ठीक है, माननीय लंबित है, लेकिन बावजूद इसके राज्य नहीं होती है ना आसिफ वकार साहब। मैं आऊंगा आपके पास, हमारे साथ हिलाल नकवी भी है, कांग्रेस के नेता है। हिलाल साहब, क्या वाकई ये होड़ मच गई है कि कौन से मुद्दे पे कौन कितना आगे चला जाए, कौन कितना फुटेज पाले, चाहे वो छात्रों की बात हो, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, तो सारी चीजें दरकिनार कर दी जाए, खालिज तौर पर सिर्फ राजनीति का मकसद है? घनश्याम जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके पीछे जो है वो एक राजनीतिक मकसद है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव करीब आ रहे हैं तो इस वजह से इन्होंने एक राम जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो गरमाया है, और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टेटस है उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी करना शुरू कर दी है। अफसोस की बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो केस जो है वो कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट को जिसके ऊपर फैसला देना है, उसके ऊपर इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, तो वो अपने आप में निंदनीय है, और इस प्रकार के कोई भी बयान जो है कम से कम जो जिम्मेदार में भी ये मामला कोर्ट में था, तब आपकी तरफ से किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी, तब आप भी इस मामले को जिंदा रहना चाहते हैं? घनश्याम जी, ऐसा अगर ऐसा होता तो उस वक्त भी टिप्पणियां होती, कोई टिप्पणी नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लंबित था उसकी पहली सुनवाई 11 जनवरी को हुई है, तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो पड़ा हुआ है और राजनीतिक मिजाज मुद्दों को जिंदा करने की महारत आप लोगों को हासिल है, इसमें फर्क दो राय नहीं कि मोहम्मद अजीब ऐसा अध्यक्ष है, मोहम्मद अजीब छात्रों को सामने रख के राजनीति 100 मीटर रेस हो रही है, और खाली एक कचन दो वाला मामला है घनश्याम जी, कोई बात ही पूरी नहीं। आप मान के उनकी बात हो जानी, ऐसे कैसे ठीक है? आप अपनी बात पूरी कर जी, आप बात तो पूरी सुनिए जी। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो चिंता भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है, आर्टिकल 31 है जिसके अंतर्गत, आर्टिकल 30 के अंतर्गत जितने भी ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो भाषीय हो और चाहे वो धार्मिक हो, उनको पूरी तरह से इजाजत संविधान ने दिया हुआ है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि संविधान के अंतर्गत ना हो, और ना ही उसके अंतर्गत ये अकेली दो यूनिवर्सिटीज है, बहुत से और इंस्टीट्यूशन है, तो क्या उन सारे जगहों की जितनी भी माइनॉरिटी कैरेक्टर उसको सबको खत्म कर देंगे? अगर सबको खत्म कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन देकर के आना होगा, दलितों के हितों को इंक्रोचमेंट किया जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है, गहलोत जी ने यही तो कहा है, ठीक है, सबके साथ यही है। अदीब का भी रुख कर लेता हूं, समय मेरे पास है, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। मोहम्मद अदीब के वाकई छात्रों को सामने रखकर राजनीति की जा रही है, अंदाज अलग अलग हो सकता है लेकिन मंशा सभी की एक दिखाई देती है। देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि ये मुकदमा जो है ये माइनॉरिटी कैरेक्टर का नहीं है, ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 1981 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया, कह दिया कि ये मुसलमानों ने बनाई थी, तो जो 1967 का जजमेंट था जिसमें कहा गया था कि ये मुसलमानों ने नहीं बनाई, अलीगढ़ ने पार्लियामेंट ने 1981 में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। ये मुकदमा किस चीज का, उसको समझने की कोशिश पहले कीजिए। 2005 में एक लड़के ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में यह कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि ये पार्लियामेंट से पास हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को यह अख्तियार नहीं है कि वो अमेंडमेंट कर सके। इसके अगेंस्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हां ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और एक एफिडेविट दिया। आज जब इसकी डिस्पोजल 11 तारीख को लगी तो उस वक्त बीजेपी की सरकार ने कहा कि ये एफिडेविट गलत है। अब झगड़ा इस बात का है कि जुडिशरी बड़ी है या पार्लियामेंट बड़ा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट यह कहता है कि पार्लियामेंट को हक नहीं है कानून बनाने का, यह झगड़ा इस बात का है, लेकिन लोग इसलिए खुश हैं कि माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी चली जाएगी, मुसलमानों को दिक्कत होगी, इसलिए ये
ये जो है बड़ा अच्छा। अरे ये तो झगड़ा ही नहीं है, ठीक है, अगर ये झगड़ा होता मनोज रघुवंशी जी, तीन बेंच नहीं है झगड़ा, वही है जो समझाने की कोशिश की जा रही है या बिहाइंड द कर्टेन कौन स्टोरी और दिखाई देती है मनोज जी, माइनॉरिटी स्टेटस उसका है, ठीक है मोहम्मद अदीब समझ गए, माइनॉरिटी स्टेटस उसका है जी अदीब भाई, जो है वो सिर्फ इस बात का है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट में सन 81 में वो गलत है, ठीक है, अभी भाई ये बहस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बहस है जी बिल्कुल। अभी भाई मैं एक दूसरे पहलू के बारे में बताइए, एक दूसरे पहलू के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ मनोज भाई, मैं बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर पीएल, डॉक्टर पीएल पुनिया ने जो बात कही और डॉक्टर हिलाल नकवी ने भी वो बात कही, मैं जरा उस तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश में साल भर बाद प्रदेश का चुनाव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल ने अपना जो ओपिनियन दिया मतलब जामिया के बारे में भी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में भी, एक सुप्रीम कोर्ट में एक एचआरडी मिनिस्ट्री को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जामिया के लिए अभी एफिडेविट नहीं दिया, नहीं एफिडेविट नहीं, लेकिन अपना ओपिनियन दिया है एचआरडी मिनिस्ट्री को, अपना ओपिनियन दिया है कि आप ऐसा एफिडेविट दे सकते हैं, कहने का मतलब ये कि ये उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो डॉक्टर पीए पुनिया और डॉक्टर हिलाल नकवी का एक शक है, मैं उस बारे में आपसे पूछ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के बीजेपी की केंद्र सरकार ने आपको उकसाने के लिए, यही है जो आप समझ रहे हैं जी, तो आप मतलब नहीं, तो आप जो समझ आप, रहे हैं अगर अगर आप उकसाए में आ गए तो आप अभी भाई ये वही है 2017 का इलेक्शन है अभी भाई, अब देखिए अभी मौलाना महमूद मदनी का मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया, मनोज भाई आप बिल्कुल सही पकड़ आपने पकड़ी है, नहीं तो वो ये किस्सा वही है ना, ये माइनॉरिटी कलेक्टर का किस्सा नहीं है, मेरा मेरा वही सवाल है कि जो मौलाना महमूद मदनी कह रहे हैं जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से कि ये 17 का इलेक्शन है जी जी, ना ना, तो जो मौलाना महमूद मदनी एक प्रोटेस्ट मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उस प्रोटेस्ट मूवमेंट की वजह से तो पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा ना, आप ये समझिए कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है ये वास्तव में ये मुस्लिम जी बिल्कुल मोहम्मद अदीब, मनोज जी ये समझाने की कोशिश करें, अगर उकसाने की कोशिश की जा रही है और आप उसमें आ रहे हैं, आप प्रोवोक हो जा रहे हैं, तो फिर आप तो मंशा पूरी कर दे रहे हैं ना, पोलराइजेशन इनके इनको पक्ष में लगता है, मनोज भाई की मैं मनोज भाई की बात से सहमत हूं, समझा रहे थे अभी भाई ये पॉलिटिकल कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय में जो है न्यायालय फैसला माइनॉरिटी का है, आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है किस बात का, तो ये किस्सा देखिए देखिए ये किस्सा जो है ये माइनॉरिटी कलेक्टर का नहीं है, ये 17 का इलेक्शन है, लेकिन जो बुनियादी बात है कि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये कह रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ा है पार्लियामेंट से, ये ठीक है, तो आपके पीछे 2017 के चुनाव की रणनीति दिखाई देती है, विजय पाठक साहब, विजय पाठक साहब क्या वाकई फिर समावेशी समाज का निर्माण करने का दावा जो नरेंद्र मोदी करते हैं आपकी पार्टी करती है वो दावा पूरा हो पाएगा क्या, विजय पाठक साहब? घनश्याम जी हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और 2017 तो है आपके दृष्टिकोण में, सुनिए सुन लीजिए, आसिम वकार ने भी कहा और अदीब भाई ने भी कहा कि मामला न्यायालय में है, जो न्यायालय में है न्यायालय में जिरह बहस होगी, तर्क रखे जाएंगे, विजय पाठक साहब न्यायालय में राम मंदिर का मुद्दा होता है उसको भी हवा देते हैं आप, को विवाद नहीं है कि तमाम हवा दे रहे ना, और लोकतंत्र में न्यायालय जाने का अधिकार सुरक्षित है, अगर न्यायालय में मामला है तो न्यायालय को फैसला करने दीजिए, जब न्यायालय में इतने सारे मामले पड़े हैं तो फिर काहे कि हम आए, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल नकवी साहब कुछ कह रहे हैं, बहस कर रहे हैं, फिलहाल नकवी घेर रहे हैं, ठीक है विजय पाठक जी, खुद समझ गया आपकी बात, समझ गया, सवाल खड़ा करते हैं, ठीक है, पहले अपने मानेंगे ही नहीं ये बात, ठीक है, विजय पाठक जी जो बात कह रहे हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है, बिल्कुल ठीक बात है, अगर न्यायालय में लंबित मामला है तो उसके ऊपर एचआरडी मिनिस्टर जो है वो अपने बयान क्यों दे रहे हैं, बिल्कुल, ये बयानबाजी किसकी तरफ से शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो शुरू हुई है, और अगर एचआरडी मिनिस्टर ये कहती है कि यहां के ऊपर ये जो है वो माइनॉरिटी नहीं है तो जाहिर सी बात है जो सरकार का वकील है वो वहां जाकर के क्या बोलेगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को एक दिशा देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी फायदे के लिए कर रही है,
और इस प्रकार की बयानबाजी एक जिम्मेदार पद से अगर किया जा रहा है तो निश्चित रूप से वो साफ दिखा रहा है। अगर आसिफ अकार साहब, मैं प्रदेश का इलेक्शन है, ठीक है आसिफ अकार साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का सक्रिय तौर पर लीडरशिप में ना होना क्या इस तरह के मामलों को हवा देता है? अगर वहां पर इस तरह की पहल की जाती है और वो लीडरशिप में आते तो चीजें कुछ और होती क्या? देखिए आप इस बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। देखिए मुल्क में पार्लियामेंट्री कानून है और कोई भी संस्थान बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, कुछ भी बनाया जाएगा तो पार्लियामेंट्री कानून के तहत ही बनाया जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर से लाके बना देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि माइनॉरिटीज का खाली ये दो इंस्टीट्यूट तो है नहीं, ना ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के अलावा कोई और, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में कुछ और नहीं है। खालसा कॉलेजेस भी हैं, क्रिश्चियन कॉलेजेस भी हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, मेरे पास लिस्ट है मैं गिना दूंगा, आधे घंटे में नहीं गिनाई जा सकती है, जिनके माइनॉरिटी स्टेटस है, बहाल है। तो सबसे पहली बात तो मैं एचआरडी मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर बाकी संस्थान चल रहे हैं जिनका स्टेटस माइनॉरिटी का बरकरार है तो खाली इन दोनों का खत्म कैसे किया जाएगा और बाकी का चालू कैसे रहेगा? अभी भाई क्या उसके ऊपर पार्लियामेंट्री कानून लागू नहीं होता है क्या? क्या पार्लियामेंट्री कानून से बाहर कर दिए गए, आजाद कर दिए गए, हमारे पर लागू कर दिए गए सारे के सारे कानून, हमें मानना चाहिए। ठीक है मोहम्मद अदीब कुछ जोड़ रहे हैं, अदीब भाई समझ जाऊंगा, अदीब भाई एक सवाल भी आपसे, अदीब भाई एक सवाल पहले सुन ले, अदीब जी अदीब भाई एक सवाल नहीं एक सवाल भी अदीब भाई से एक सवाल भी है, सुन पूछ अदीब भाई एक सवाल भी है, सवाल अदीब भाई मेरा एक सवाल है, ये सेक्शन 7 ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया एक्ट ऑफ 1988 ये कहता है कि द यूनिवर्सिटी शैल बी ओपन टू पर्सन्स ऑफ आइदर सेक्स ऑफ व्हाटएवर रेस क्रीड कास्ट और क्लास एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट और इम्पोज ऑन एनी पर्सन एनी टेस्ट व्हाटसोएवर ऑफ रिलीजियस बिलीफ और प्रोफेशन इन ऑर्डर टू एंटाइटल हिम टू बी एडमिटेड देर इन एज अ टीचर और अ स्टूडेंट और टू होल्ड एनी ऑफिस देर इन और टू ग्रेजुएट देर एट। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि आप चाहे मतलब लड़का हो या लड़की हो, चाहे आप स्टूडेंट के तौर पे एडमिशन लें या अध्यापक के तौर पे या कर्मचारी के तौर पे, आप किसी भी क्लास के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरह का आपके आपको किसी तरह की प्रेफरेंस नहीं दी जानी चाहिए, ये जामिया मिलिया इस्लामिया का सेक्शन 7 साफ साफ कह रहा है। जवाब ले लेते इसी के आधार पे, जी 7 कह जी ठीक है मोहम्मद, जवाब दीजिए। लेकिन मैं आपको बताऊं जामिया के केस में यह है, जामिया के केस में यह है, मैं अभी इसका जवाब देता हूं फिर पाठक साहब से एक सवाल करूंगा। ठीक है जामिया के सिलसिले में ये है कि इट हैज बीन एस्टेब्लिश बाय द कमीशन दैट जामिया मिलिया वाज एस्टेब्लिश बाय द मुस्लिम्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 30 सेज इफ एनी इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस established by the minority will remain be a minority institution and the minority institution have a right to have their reservation up to 50%। हिंदी ये कैटेगरी है। लेकिन अलीगढ़ के सिलसिले में मैं पाठक साहब से पूछना चाहता हूं कि वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को मानते हैं? संविधान में अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में कानून पार्लियामेंट बनाता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं पार्लियामेंट ने कानून गलत बनाया है और मोदी सरकार वो कह रही है कि नहीं कोर्ट सही है पार्लियामेंट गलत है, इसमें पाठक जी क्या बोलेंगे? ठीक है पाठक साहब संघ के अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं जी, पर आपके जिस दल से साहब उसका यकीन करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जवाब सुन लीजिए मोहम्मद, मेरे लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी राष्ट्र की धरोहर है, मेरे लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्र की धरोहर है, किसको किसी धर्म किसी संप्रदाय और किसी जाति में नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्र की धरोहर पर सबका समान हक है। क्यों आप किसी एक संस्थान को इस पक्ष में खड़े हैं कि उसको केवल अल्पसंख्यक का दर्जा मिले? विजय पाठक साहब अगर इस तरह क्या राज्य राज्य सभी नागरिकों को हक नहीं है, नहीं मानव शिक्षा प्राप्त करने का हक नहीं है, भावन बातें जो आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाई? ट्यूशन पाठक साहब ये समस्या की जड़ तो कांग्रेस है, इसमें काशी में क्या जरूरत दिला करके उसको दर्जा देने की स्थिति बनाने की, एक बात। और दूसरी बात, हमको देश के संविधान देश के लोकतंत्र भरोसा न्यायालय में है, न्यायालय फैसला करेगा वो किया जाएगा। पाठक जी बुनियादी बात आपने नहीं, आपने बुनियादी बात पे जवाब नहीं दिया, कहेंगे जो बाकी माइनॉरिटी हो गया जो बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है
जो बाकी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में ये कोई जो मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल का जो कहना है या एचआरडी मिनिस्ट्री का सुप्रीम कोर्ट में कहना है या मुकुल रोहतगी का कि ये नहीं कह रहे हैं कि किसी भी माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये मतलब सबके लिए ये बात नहीं कही जा रही है, ये केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को टारगेट करके ऐसा क्यों हो रहा है ये सवाल है। वही सवाल है कि हम सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं। मोहम्मद हिलाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। नहीं, पाठक जी का जवाब नहीं आया। पाठक जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप पाठक जी जवाब है इस बात का, बहुत जल्दी से मुझे हिलाल नकवी साहब के पास जाना है। एकदम मनोज जी आपने सवाल ठीक पूछा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोनों राष्ट्र के धरोहर है, मैंने कहा। नहीं, वो तो आपने बोल दिया राष्ट्र के धरोहर, बाकी विजय पाठक नहीं होता है। नागरिकों का सम्मान है, हमारे राष्ट्र का गौरव है। कुछ लोगों के लिए वो अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक नजरिया हो सकता है। देखिए ये तो एक नारा, ये तो एक नारा है हमारा, हमारा ये तो नारा एकदम स्पष्ट है। न्यायालय में पाठक साहब चुनाव भाषण नहीं, ठीक है, वो जवाब देंगे। मनोज वो जो हमारा इतना साफ है कि हम देश के संसाधनों पर सबका बराबर का हक है, किसी एक का नहीं, ठीक है। और ये बातें आप कहते रहिए, समझाते रहिए, लेकिन हकीकत कुछ और सामने आती है। हिलाल नकवी साहब आपको समझ में आए तो बाकी ठीक है, घनश्याम जी हम लोग हैं वो सही है, आप भी लोगों को जो बात विजय पाठक साहब कह रहे हैं वो जितने भी और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको कह रहे हैं कि वो देश की धरोहर नहीं है। वो क्या है? वो देश की लायबिलिटी है। देखिए जब हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम दोनों तरह के माइनॉरिटीज की बात करते हैं, भाषाई माइनॉरिटी भी होता है और धार्मिक माइनॉरिटी भी होता है। यहां के पर केवल एक माइनॉरिटी की बात नहीं है। तो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू जो है वो देश की धरोहर है तो बाकी क्या सब देश की लायबिलिटी है? अगर वो लायबिलिटी है तो उनको देश क्यों ढो रहा है? उनको समाप्त कर देना चाहिए। अगर उनको देश की धरोहर ये नहीं मानते समाप्त कर दे एक नजर से। देखिए यहां पर ये सिर्फ एक नारा मात्र है, एक जुमला मात्र है, सबका साथ सबका विकास। और इस वक्त जो ये मामला उठाया गया ये केवल 2017 के चुनाव को नजर में रख कर बार बार वही बात भी कह रहे हैं कि अलावा कई कारणों में चले, ठीक है, जितने भी और अल्पसंख्यक इदारे हैं उनके सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। सारे अल्पसंख्यक जितने भी इदारे उनको मानते हैं कि वो देश के ऊपर एक लायबिलिटी है, बिल्कुल, जो कि अपने आप में एक बहुत कठोर बयान है, मैं निंदा करता हूँ। ठीक है आसिफ बकार साहब, क्या आसिफ बकार साहब की जड़ में कांग्रेस है तो आप निंदा चाहे जो करिए। आसिफ बकार साहब, क्या कम्युनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करके लास्ट में माइनॉरिटी ग्रांट देके सिर्फ वोटों को लुभाया जा रहा है क्या? देखिए सबसे पहली बात तो मैं मनोज भाई आपसे और घनश्याम जी आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी। कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर देती है और ऐसे मुकाम पैदा के खड़ा कर देती है बाकी लोगों को कि वहां पर इनकी बात का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब जवाब ये प्लानिंग करते हैं, जब इनका जवाब दिया जाता है तो ये कैमिनलाइज कर देते हैं मुल्क को दो हिस्सों में बांटे खड़ा कर देते हैं। मैं आपसे देखिए जैसे मैंने कहा, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बात को आगे बढ़ाया कि सिर्फ इन दो इंस्टीट्यूट के अलावा अगर कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है और उसको अगर ये इस नजर से नहीं देखते हैं तो इनकी नजर में मैं समझता हूं दोगलापन है। ये हिंदुस्तान में कहीं से भी इनकी कोई मानसिकता नहीं, ना ये किसी धरोहर को देखते हैं, ना किसी चीज को देखते हैं, ये ना कोई बराबरी और समानता चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने उन वोटर्स को जो कैमिनल फीलिंग्स रखते हैं, जिनकी मानसिकता कैमिनल है, ये उनको आकर्षित करने के लिए मुसलमानों पर आसिम बकार साहब अक्सर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जिस कम्युनिज्म की बात आप कर रहे हैं इसमें और आप में बीजेपी में तो साठ गांठ है, 2017 को लेकर आपकी मिली भगत है, पॉलिटिक्स है, ये सामने कांग्रेस आरोप लगाती है आप पे, नूरा कुश्ती है ये आरोप है जी। मैं जवाब दे दूं इस बात का। सन 86 में शिलान्यास किसने कराया? 49 में मूर्ति नहीं, 89 में शिलान्यास तो 89 में हुआ नहीं, वो जो 86 में राजीव ताला खुलवाया था, ठीक, उसके बाद में 49 में इन्होंने मूर्तियां रखवाई थी, उस वक्त सरकार किसकी थी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलजुल कर हिंदुस्तान की हुकूमत को आपस में बांटने की कोशिश की है, यह साबित करता है कि सबसे ज्यादा यही दोनों आपस में मिले हुए हैं, इनकी आपस में साठगांठ है,
ये दोनों आपस में वोट बांटने की कोशिश करते हैं और ये उसमें कामयाब नहीं हो। ठीक है, मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना होगा, लेकिन चलते चलते विजय बहादुर पाठक क्या असुरेंस कुछ दे पाएंगे? विजय पाठक साहब चलते चलते कोई अश्योरेंस दे पाएंगे कि वाकई जो कहा जा रहा है वैसा नहीं है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं? असल में मोदी जी स्पष्ट है, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ठीक है, आप नहीं कहेंगे सबका साथ सबका विकास करते रहेंगे, लेकिन जब पहला हक बात आएगी तो आप देखेंगे 2017 में कौन पास कोई जवाब नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी मेरे साथ लगातार बने, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां सियासत गर्मा गई है। हरक सिंह रावत की तरकश से एक एक करके ऐसे तीर निकल रहे हैं जो हरीश रावत और उनकी सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। ब्रेक के बाद मंथन रहेगा हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।